क्या मुसीबत है, इसको भी अभी खराब होने था। कमाल साहब को फोन कर देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम कमाल साहब। वो सर, एक्चुअली मेरी स्कूटी खराब हो गई है तो मैं लेट हो जाऊंगी। अच्छा ठीक है, फिर आप ड्राइवर को भिजवा दें, मैं स्टॉप तक आ जाती हूँ। जी, आप स्टॉप तक बस भिजवा दें गाड़ी, मैं ड्राइवर के साथ आ जाऊंगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। शुक्र है। कहाँ रह गए थे आप? कब से आपका इंतजार कर रही थी, इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, क्यों इतना टाइम लग गया? मैडम जैसे ही कमाल साहब की कॉल है मैं फौरन ही आ गया, ट्रैफिक थोड़ा जाम था इसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। अच्छा चलें आप। नाश्ता दे दो अम्मा, यार ऐसे ही चला जाऊं क्या? अरे ला रही हूँ भाई, ला रही हूँ। लो आ गया तुम्हारा नाश्ता। और इतनी क्या जल्दी पड़ जाती है तुम्हें, हैं? ले 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 लो, ये लो करो नाश्ता। मैं एक मिनट पानी लेकर आती हूँ। हाँ। अरे तौबा है, नाश्ता तो ठीक से कर लो, फोन तो रख दो इसको। कर रहा हूँ यार। एक ना पता नहीं तुम्हें क्या है, अरीबा से बात किए बगैर ना चैन नहीं आता। आपदा से कहूंगी एक दो दिन के लिए अरीबा से फोन लेकर रख दे, कम से कम ये दोनों अपने अपने काम की तरफ तवज्जो तो दें सुकून से। हर वक्त तुम्हारा ध्यान ना मोबाइल की तरफ ही लगा रहता है। अरे फिर फोन आ गया। क्या हो गया? चल ठीक है मैं आता हूँ। क्या नाश्ता तो कर लो। अरे क्या कर रहे हो तुम? आ जाऊंगा अम्मा। अरे शानी मेरी बात सुन। शानी कमाल करता है ये लड़का, नाश्ता भी ठीक से नहीं करके गया, तंग किया हुआ इसने मुझे। अनम, ओ अनम, ये आप कहाँ से लेकर जा रहे हैं? ये तो ऑफिस का रास्ता नहीं है। जी मैडम, मीटिंग ऑफिस में नहीं कहीं और है। कमाल साहब ने मुझे साइट ऑफिस वाली ब्रांच ले जाने को कहा है। क्या? मुझे तो किसी ने भी नहीं बताया, मुझे तो ऑफिस आने का कहा गया था। रुके मैं कमाल साहब को फोन करके पूछती हूँ। क्या हुआ, गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी, क्या मसला हुआ है, क्या हुआ है? आगे इसके कौन लोग हो तुम लोग? देख कौन हो? खामोश। कौन है ये लोग? अभी तक तो बेहोश है। जी शान भाई, तुम सबको पता क्या करना है ना? जी शान भाई। चुप कर जाओ, मना भी किया था कोई किसी का नाम नहीं लेगा। पर शान भाई वो तो बेहोश है। चुप कर। शान भाई तेज लड़की है वो,
उसी में भी दिमाग चल सकता है उसका। कोई गलती नहीं बॉस, कोई गलती नहीं। मंसूर संभाल मेरी जान, तेरे हवाले अब, समझ रहे? एक बार शादी हो जाए फिर झाड़ो अपने परों से मट्टी, फिर दिखाओ उन्हें अपने खाने के दान, फिर दिखाओ कि तुम हो क्या, समझे? शादी के बाद उसका बाप भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब अपने भाई की मिसाल लो, हरीबा मान रही थी नहीं ना, अरे तेरे भाई ने ऐसे सब्ज बाग दिखाए उसको कि अब देखो शादी की तारीख तय होने को फिर रही है, चिड़िया आ जाएगी पिंजरे में, अब फिर देखना अपने भाई शानी के रंग तुम बेटा। जो लड़कियां होती हैं इनको समझ, बहुत हो गया हरीबा, सीधी तरह मेरी बात मान जाओ वरना तुम जानती हो मैं कितना टेढ़ा आदमी हूं, मोहब्बत करता हूं तुमसे इसलिए अब तक बर्दाश्त कर रहा हूं, मेरी मोहब्बत को मजीद मत आजमाओ। मुझे धमकी दे रहे हो शानी? नहीं, वार्निंग, लास्ट वार्निंग। यानी अंगूठी वापस कर दी तो तुम्हें लगा सारे रिश्ते खत्म हो गए? मजाक है क्या? मजाक तो तुमने हमारे रिश्ते को बनाया हुआ था। लोग सही कहते हैं तुम बिल्कुल काबिल एतबार नहीं। कौन कहता बताओ मुझे? क्यों बताऊं तुम्हें? ताकि तुम जाओ और मारपीट करो, तुम्हें इसके अलावा आता ही क्या है? देखो रिबा, बात को बढ़ाते हैं, हमारे दरमियान जो भी झगड़ा है, जो भी नाराजगी है, उसे खत्म करते हैं यार। क्यों अपनी फैमिली को, मेरी फैमिली को परेशान कर रही है? खत्म करते हैं नाराजगी है? तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम शानी से दूर रहो। तुम तो क्या, वो तो किसी भी लड़की के काबिल नहीं है।